हम आपको गोवा के एक ऐसे चर्च के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां 450 साल से एक संत की बड़ी एक चर्च में रखी हुई है। गोवा के पणजी में स्थित चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के अंदर सेंट फ्रांसिस जेवियर का शरीर 450 साल से सुरक्षित रखा है। कहा जाता है कि फ्रांसिस जेवियर की डेड बॉडी में दिव्य शक्तियां हैं, जिस वजह से ये आज तक खराब नहीं हुई है। क्रिसमस के मौके पर हर साल इस चर्च को देखने के लिए देश विदेश से हजारों टूरिस्ट यहां आते हैं। कौन थे सेंट फ्रांसिस जेवियर? सेंट फ्रांसिस जेवियर संत से पहले एक सिपाही थे। वे इग्नाटियस लोयोला के स्टूडेंट थे। बता दें कि इग्नाटियस ने सोसाइटी ऑफ जीसस नाम की धार्मिक संस्था शुरू की थी। पुर्तगाल के राजा जॉन III और उस वक्त के पोप ने जेसुइट मिशनरी बनाकर फ्रांसिस जेवियर को धर्म के प्रचार के लिए भारत भेजा था। उन्होंने भारत समेत चीन, जापान के कई लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षा दी। उनकी मृत्यु चीन की एक समुद्र यात्रा के दौरान हुई थी। 3 बार दफनाने के बाद भी ताज़ा अवस्था में थी बॉडी। ऐसा कहा जाता है कि जेवियर ने मृत्यु से पहले शिष्यों को उनका शव गोवा में दफनाने को कहा था, जिसके बाद फ्रांसिस जेवियर की इच्छा के मुताबिक उनका पार्थिव गोवा में दफनाया गया। लेकिन कुछ सालों बाद रोम से आए संतों के डेलीगेशन ने उनके शव को कब्र से बाहर निकालकर फ्रांसिस जेवियर चर्च में दोबारा दफनाया। ऐसा कहा जाता है कि कुल 3 बार उनके शव को दफनाया गया, पर हर बार संत का शरीर उसी ताज़ा अवस्था में था जैसा उन्हें पहले दफनाया गया था। अपने आप अलग हो गया था हाथ, सुई चुभाई तो निकला खून। संत की बॉडी को लेकर ये कहानी प्रचलित है कि मृत्यु के पहले उन्होंने अपना हाथ दिव्य शक्तियों के जरिए शरीर से अलग किया था। ये हाथ उन्होंने अपनी पहचान के तौर पर रोम से आने वाले संतों के डेलीगेशन के लिए रखा था। इसके साथ उन्होंने एक चिट्ठी भी शिष्यों को दी थी। आज भी ये अलग हुआ हाथ चर्च में ही मौजूद है। ऐसी कहानी भी प्रचलित है कि एक महिला ने सेंट फ्रांसिस जेवियर की डेड बॉडी के पैर पर स्विच चुभोई तो उसमें से खून निकला। ये खून भी तब निकला जब उनकी बॉडी को सूखे सैकड़ों साल हो गए थे। बचकर 10 साल में होते हैं दर्शन। सेंट फ्रांसिस जेवियर की डेड बॉडी आज भी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के चर्च में रखी है। गोवा के जर्नलिस्ट फ्रेडी अल्मेडा के मुताबिक बचकर 10 साल में ये बॉडी दर्शन के लिए रखी जाती है। 2014 में आखिरी बार इस बॉडी को दर्शन के लिए निकाला गया था। बॉडी को कांच के एक ताबूत में रखा गया है। आज भी ये बॉडी सड़ी नहीं है।